Peça! पैर भारी हो गए। मैं पहली बार हुआ होगा कि दौड़ के पैर भारी हुए हैं। ट्रैकिंग शूज के अलावा ये रनिंग शूज लेके आना, मतलब पैर भारी हो जाते हैं। तो अभी मेरा रन खत्म हो गया, मेरा पार्ट खत्म हो गया, तो हमारे टोटल हो गए हैं 25-26 किलोमीटर हो गए थे। इन्होंने मेरे को दिया था 19 पे, मैंने छोड़ा 26 पे। अब गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज हम निकल रहे हैं धारचूला से, बूदी करके जगह है जो हमारे रास्ते का क्या बोलते हैं एक पड़ाव है, तो वहाँ से लगभग 60-62 किलोमीटर। और मेरे साथ रजत भाई है, सागर देवराड़ी है और आगे ऋषभ जी है। और आज हमारी एनर्जी थोड़ा अलग लेवल पे, क्योंकि हम सो ही नहीं रहे साल। नींद तो गई हमारी, नींद तो आ नहीं रही। और ये सामने देखो जाम लग चुका है, तो हमारे पास ये पूरा सामान हम ले रहे थे। हमारी एक गाड़ी आगे चल गई, रनर भी आगे, और आज हमारा थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको रनिंग, थोड़ा आगे पीछे भी हो गई। और देखो किस्मत बताता हूँ मैं आपको, नॉर्मली इसका और मेरा आज सीधा रूट आना था, ठीक है। हमारा किस्मत इस तरीके से पलटा है कि सीधे पे आज कोई और ही दौड़े, क्योंकि हम काम करने चले गए। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो ऐसी किस्मत आज इस बार हम कम से कम हम दोनों को मिल रही है? देखो भगवान सबको उसके हिसाब का देता है, तो इसका मतलब हम ही दौड़ सकते हैं अपील, और कोई नहीं दौड़ सकता। तो अपील हम दोनों के मिल रहा सब तगड़ा, और लास्ट वाला अपील ये लास्ट वाला ये करते हैं। एक रूट दिखाता हूं कहां जाना है। चलो ये सागर रूट दिखाएगा। ये देखो भाई, ये रोड है अपनी, और वो देखो पहाड़ में ये दिख रहा है जो ये वाला पोर्शन, ये ऐसे घुमा घुमा के आज ऐसे ही चढ़ना है बस हमने ऊपर। तो भाई बहुत टफ होने वाला है, बहुत ज्यादा। और उस पर हम ही हैं, और एनर्जी पता नहीं आज ज्यादा क्यों हो रही है इसको देख के। कनेक्ट हो जाता है। ये देखो भाई, केले इत्यादि सब रख दिए, कश्मीर से लाए हम। तो भाई लोग हम आगे आगे थे, और ये काली नदी, और ये इंडिया, और वो है नेपाल, और ये इंडिया से नेपाल का पुल। तो राजू आप नेपाल तो जाते रहते होंगे? हाँ नेपाल तो हम तो जाते स्कूल से जाते रहते, आते रहते, बस घूमने जाते रहते हैं। आप भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी जा सकते हैं। कोई भी जा सकता है इधर से। अभी हम इससे आगे निकलेंगे, उधर आईडी लिख के, नंबर लिख के आईडी दिखा के पार जा सकते हो। देखो इतना इजी बॉर्डर है, सबसे अच्छा बॉर्डर है हमारा नेपाल के साथ। और रोटी बेटी का रिश्ता है हमारा नेपाल के साथ में, तो सबको पता ही है। और देखो ये टफ रोड हो रखा है पूरा। अभी हम ट्रांजिशन फेस में हैं हिमालय से ट्रांस हिमालय के, तो आप धीरे धीरे कम देखोगे। भाई तो अभी अभिजीत भैया दौड़ रहे हैं, और ये दिन की जो धूप है ना उसमें देखो खतरनाक लगे पड़े, और रोज ही हमें धूप मिल रही है। सिस्टम है 17 नंबर जंगलों की रनिंग कर रहे बढ़िया करके, इसके बाद है मेरा नंबर, मेरा मेरा और मेरा हो चुका है। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था सर रेमी का दौड़ने का। फिर हमारे भाई साहब दौड़ेंगे, फिर ये भाई साहब तो रात को दौड़ते हैं। वेरी गुड, झंडा पकड़ो, खड़े रखो झंडा, और ऊपर उठाओ। उठाता हूँ, उठाओ ना, उठाओ उठाओ उठाओ। हाँ गो, गाड़ी को रुकना पीछे वाला, थोड़ा जल्दी पकाओ, जल्दी पकाओ। अभिजीत भैया स्लो हो जाओ, काट बस, रोक दो। तो अभी मेरा रन खत्म हो गया, मेरा पार्ट खत्म हो गया, तो हमारे टोटल हो गए हैं 25-26 किलोमीटर हो गए थे। इन्होंने मेरे को दिया था 19 पे, मैंने छोड़ा 26 पे। अब अभी ऋषभ भाग रहा है फिर से, और ऋषभ और मैं और सागर कड़कती धूप में भागते हैं हमेशा। है भाई सागर और रजत भाई भी, भाई रजत भाई को कैसे भूल सकते हैं अपन। तो इससे पहले ये भी कड़कती धूप में भागते, भाई पैर दर्द हो रहा नहीं हो रहा? तभी तो ऐसे बैठ रहा, और नहीं दर्द यहाँ। अरे मनीष भाई दर्द कहाँ पे हो रहा? दर्द तो कहाँ कहाँ हो रहा है क्या बताएं, बहुत चलने में हो रहा है दर्द, इतना तो दिल टूटने में दर्द नहीं होता है। ओ भाई ये देखो सुंदर, अभी हम ट्रांजिशन फेस में हैं हिमालय से ट्रांस हिमालय में। क्या कहना चाहोगे आप ट्रांस हिमालय के बारे में? ट्रांस हिमालय अपने आप में बहुत ही अमेजिंग होते हैं, और धीरे धीरे जब वेजिटेशन खत्म होता है तो उसका एक अलग है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम लोग शाम को एक अलग व्यू में जाएंगे। हाँ ये अभी देखो, अभी पीछे बहुत बड़े बड़े पेड़ अब धीरे धीरे कम हो जाएंगे, ये ऐसे
थोड़ा सा भूरा भूरा दिखने लगेगा, उसका मतलब है ट्रांस हिमालय कोल्ड डेजर्ट्स आ गए। तो हमारा ऑफिशियल व्हीकल है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे नहीं सरकारी लोग है भाई, भाई लोग ऐसे नहीं हल्के में ले रहे हो क्या? फुल पावर 24 में नहीं आए हैं, गवर्नमेंट की परमिशन के साथ उतरे आज। ये देखो भाई सुंदर झरने, दूध जैसा पानी दिख रहा, मां कसम मन तो कर रहा है इसके नीचे बैठ। हमने गलती में भर दिया दूध, यहाँ से भर लेने चाहिए थे। नहीं बहुत साफ और ठंडा पानी आ रहा है। और गौर दा कोई मजा आ रहा है? गौर दा कैसे लग रहा है? गौर दा पागल जैसे लोग कैसे लग रहे हैं इतनी धूप में भागते हुए? और ये बॉर्डर एरिया है तो हमारे आर्मी यहाँ पे तैनात है। इतनी धूप हो रही है, दौड़ना है वैसे, पर यहाँ देख लो इस बंदे को, रुको तीन और जूम जा, ये अपनी वीडियो बना रहे हो। ये मजाक है, यहाँ पे इतने ऑल्टीट्यूड पे दौड़ना, सेल्फी चल रही है भाई, बहुत मेहनत है इसमें यार। तो अभी हमारे अभिजीत भाई खाना खा रहे हैं ये दौड़ने के बाद, इन्होंने कुछ नहीं खाया था तो अभी लगे पड़े हैं ये। खाना ऐसा लग रहा है यही अमृत है भाई यहाँ पे। और वो बात अरे शाबाश 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 शाबाश, भागो भागो भाई। देखो ये सागर को भाई, रुक जाओ भाई, सागर को एक बंदे की कैपेबिलिटी, इतना शक हो रहा था, इतना शक्की बंदा है, दूसरों को मानता है भाई। मनीष भाई सागर नहीं पड़ता अपनी भाग पाए कर देता है, और ये इतना भाग गए कि हमने सोचा कि भागे भाई। बहुत खराब बंदा भाई सागर देवराड़ी बहुत खराब बंदा भाई, ये दूसरों की कैपेबिलिटी पे सागर देवराड़ी की मेहनत करता है ना ऋषभ, आप तो इसके पुराने दोस्त हो, बहुत छोटी है ना पंकज भाई, आप भी सागर को जानते हैं, दूसरों की कैपेबिलिटी शक करता है ना। तो ये है हमारा बेस्ट रनर, और इसके पीछे वो नेपाल, इस नदी के इधर भारत नेपाल। इतना पास से नेपाल देखा तूने कभी? नहीं कभी घास काटने जाऊंगा, बोलूंगा नेपाल से घास काट दिया तो हम देखेंगे पैसा। याला पड़ सो ये पता थंबने लाएगा तो पैसे निकाल लेना, वो कैसे देख रहा? मेरे को नहीं दे रहा। मुंशी जी वो बन रहा है ब्लॉग, बन रहा है 8-9 किलोमीटर दौड़ रहा है। पैर भारी हो गए इनके, पैर भारी हो गए तो भाई लोग इनके दौड़ते हुए पैर भारी हो गए। मैं पहली बार हुआ होगा कि दौड़ के पैर भारी हुए हैं, तो आप आदि कैलाश आएंगे तो यहाँ पर यहाँ से तरीके से भी यहाँ से पैर भारी करवा के जाइए, पैर भारी हो जाते हैं। तो एक और खुलासा, आदि कैलाश पे ट्रैकिंग शू अगर आप लाते हैं तो आप पैर भारी अर्थात प्रेग्नेंट हो जाते हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं होता, औरत आदमी यहाँ पे सब प्रेग्नेंट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू हिम। और एक नमूना ये है, इसको मैंने पता क्या बोला, जवाब ऊपर जाए से उजान लग गया पैर। तो मजाक है, मजाक मजाक समझो। तो हम मांगते हैं, हम कहीं भी मांग रहे हैं, अभी हमने यहाँ पे खाना खाया था, यहाँ पे क्या है ये पता नहीं, जाने में कोई ढाबा है, यहाँ पे हमने खाना खाया था तो पता नहीं कुछ 2700 का हमारा बिल बना, उसके बाद ये चाय बन रही थी तो फिर हम मंग तो बोले ना, हमने बोला चाय आपकी तरफ से प्लीज, उन्होंने बोले ठीक है। तो ये ऑन स्पॉट स्पॉन्सर दिलाया है सागर देवराड़ी, थैंक्स टू यू। देखो एक और मंगते, बोतल दो ये दो वो दो, अरे मांगी मांगोगे ये देखो, ये जो रो रहा है ये यहाँ से उस पहाड़ में पत्थर मार रहा ताकि वो टूट जाए। पता नहीं अजीब से चीजें हैं भाई, रजत भाई ये ऐसे ही जाएंगे आज। रजत भाई एक तुम्हारा फेमस कोई एक लाइन हो जाए, एक दो लाइन। मेरा तो नहीं है, पिथौरागढ़ वाले एक भैया का है, दादी मीचबोन पर ही पिथौरागढ़ बैठी आज मैं ही हूँ। तो इससे पहले जो आपने वो डायलॉग सुना, इन्होंने उसकी बेइज्जती करी कि अच्छा नहीं लगा, तो इन्होंने तुरंत बेइज्जती करके वो ब्लॉग बंद कर दिया। मैं दोबारा बना रहा हूँ, ये बंदे बड़े आरामी टाइप के हैं, ये साले किसी को कुछ नहीं समझते हैं, ये और ये
और भाई ये तो एकदम डिमोटिवेट करते हैं लोगों को, ह्यूमिलिएट करते रहते हैं भाई, फेमस कर दो बस, और कोई मतलब नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है। इसको चाय बोलते हैं, पिया जाता है। चला जा चचा, कुछ नहीं बचा, उठ गया यार वो, उनको उठाने की कोशिश की जा रही है। तो गाइस इस जगह का नाम है घटिया पगड़, घटिया पगड़। ये बहुत घटिया नहीं है वैसे, है तो सुंदर, देखो सामने बहुत सुंदर है यार, और देखो और वहां से जल धारा दिख रही है, बढ़िया थी। उस नेपाल के बगल में देवराड दिख रहा है, देवराड़ी, उसके बगल में कशनाल, कशनाल, उसके बगल में जिनके हम मुर्गे चराते हैं वो दिख रहे हैं, दोनों टीम में मुर्गे चढ़ते हैं। सर कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया बढ़िया, मजा आ रहा है सर? मजा आ रहा है। कुत्ता सर, हट, विश्राम, सावधान। चलो तो भाई लोग देखो, हम खतरनाक लोकेशन पे पहुंच गए हैं, यहाँ पे पहाड़ अजीब तरीके से कटे हुए हैं और मनीष भाई यहीं से दौड़ रहा था, बस यही है। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, झरना बहुत बढ़िया।